आने वाले लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, ये जो जॉब करने वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हम लोग कारोबार कैसे करें। अगर वो जीएसटी नंबर नहीं लेगा तो मारवाड़ी उसको कोई भीम नहीं देगा, तो जाहिर है कि उसका कारोबार बंद हो जाएगा। इस ताल्लुक से हमने यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर दिया, अपने चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को हमने लेटर दिया, लेकिन हमको कोई रिप्लाई मिला नहीं, ना तो कोई फ़ोन आया, ना कोई, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की, तो हम मजबूरन हमको दिल्ली जाना पड़ा। ग्यारंटी के हालात को देखते हुए तो हम दिल्ली गए, फाइनेंस मिनिस्टर से जेटली साहब से हम लोगों ने बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आपको अगर डेलीगेशन से तो हम नहीं मिल पाएंगे, आपको कोई मेमोरेंडम देना हो तो आप दे दीजिए, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो जो अपोजिशन के लोग थे, जैसे अपोजिशन के भी नेता हैं हमारे राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो हम लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिला, उनको फ़ोन किया तो बेचारे श्रीनगर में थे, कोई मैयत हो गई थी, वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मैं 9:30 बजे पहुँच रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हमको इतना कोऑपरेट किया कि 9:30 बजे से लेकर हमारी 11 बजे तक मीटिंग चली। उन्होंने एक एक चीज़ पे चर्चा की, एक एक चीज़ पे, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, कि व्यापारी की दुकान पे या छोटे छोटे स्टॉल पे कपड़ा कैसे जाता है। और उन्होंने ये कहा कि आप जो कर रहे हो ये पूरा हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची है, इसका इल्म मुझको है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़िए, हर मार्केट से, हर मंडी से दो दो लोगों को आप लेके आइए। तो हमने, हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है बॉम्बे में, भारत चैम्बर मर्चेंट है, तो उसमें मैं भी हूँ, तो हमने उन्हें इन्फॉर्म किया है, सूरत में भी, इचल करंजी में भी, मालेगांव, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ भी टेक्सटाइल के लोग हैं हम उनसे कॉन्टेक्ट में हैं, और इंशाल्लाह ये डेलीगेशन लेके हम ये अगस्त के पहले हफ्ते में आज़ाद साहब के पास हम जाएंगे। आज़ाद साहब ने हमको कहा है कि आपको जिस दिन आना हो उसको फ़ोन करो, मैं आपको टाइम दूंगा, और वो सर्वदलीय बैठक में बुलाऊंगा, उसमें सब लोग होंगे, अपोजिशन के लोग तो रहेंगे ही, सत्ता के लोग भी रहेंगे। आप ये दिमाग से निकाल दो, 3 तारीख 5 तारीख जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये जो आपकी तकलीफें हैं, ये रोज़गार ख़त्म नहीं होने पाए, इसलिए हम ये बुनकरों के लिए, जो भी छोटे लोग हैं इनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम अहमद पटेल साहब के पास गए, अहमद पटेल साहब ने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया, आधा घंटा टाइम दिया, जबकि उनको नॉमिनेशन के लिए गुजरात जाना था, वो बेचारे जल्दबाजी में थे, उसके बाद भी अगर उनको फॉर्म भरना था राज्यसभा के लिए, फिर भी हमको आधा घंटा टाइम दिए, और उन्होंने हमारी बात कायदे से सुनी, और उन्होंने कहा भी कि सूरत से भी डेलीगेशन आया था मेरे पास, मैं उसके बारे में भी 2-3 दिन पहले कुछ उठाया भी था मुद्दा, लेकिन ये सब बातें अभी हम समझ के हम सबको ले कर बैठेंगे। उसमें कपिल सिब्बल होंगे, आनंद शर्मा होंगे, टोटल जितने भी राज्यसभा के लोग हैं, हम ये मुद्दा समझ लो राज्यसभा में भी उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, और हम जीएसटी काउंसिल वालों को भी बुलाएंगे। और हमारे एक प्रमोद तिवारी जी थे, उन्होंने भी हमको बहुत भरोसा दिलाया, बहुत कोऑपरेट किया कि भाई ये लड़ाई आप लोग की जो है हम ज़रूर इसको लड़ेंगे, आप लोग के साथ हैं हम, हमारा हौसला बढ़ाया, अच्छे से बिठाए भाई, हर तरीके से वो मदद करने के लिए हमको बोले, और ये अपने फिर हम उनसे मिले, मैं राहुल जी के पास फिर गया, तो राहुल जी काफ़ी मशरूफ थे, उनके पीए ने बुलाया कि भाई डेलीगेशन से तो नहीं मिल पाएंगे, अंसारी साहब आप फिर पास जाइए और उनको आप मेमोरेंडम दे दीजिए, वो आपको बाद में बुलाएंगे। लेकिन हम उनका रात में 8 बजे तक इंतज़ार किए, फिर उनके पीए का फ़ोन आया कि साहब अभी कहीं बाहर निकल गए हैं, कल पे प्रोग्राम रखते हैं। तो हमारे कुछ बंदों का टिकट था, तो हम लोग कुछ लोग चले आए ट्रेन से, लोग प्लेन से, लेकिन मैं उनको बोला कि भाई जिस दिन भी वो फ्री हो, वो जिस दिन हमको फ़ोन करेंगे हम लोग तुरंत आ जाएंगे सर। मैंने वादा करके आया राहुल जी को, आप जिस दिन आपको टाइम मिलेगा सर हम आ जाएंगे सर।
वो जीएसटी सरकार ने लागू तो कर दी, लेकिन अभी सरकार को क्या करना चाहिए पावर लूम? आप जिस तरह से आपकी क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है कि जैसे इन्होंने ऐलान किया था वन टाइम वन टैक्स, तो हम ये चाहते हैं कि जो पहले हमारा था भाई 12.5% था, अभी कॉटन पे 5% किए हैं, कॉटन पे 5% है और सिंथेटिक्स पे 12% है, ये 18% है, जबकि ये सिंथेटिक्स का जो यार्न है इससे जो कपड़ा बनता है वो गरीबों का कपड़ा है, जो हिंदुस्तान में 80% लोग कपड़ा पहनते हैं वो सिंथेटिक्स यार्न से बनता है, और मेरे ख्याल से वो 300-400 रुपये में पैंट शर्ट तैयार हो जाता है, लेकिन कॉटन जो है वो अमीरों का कपड़ा है भाई, वो अगर लॉटरी कराता है तो मेरे ख्याल से वो 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, और कॉटन का कपड़ा 250-300 रुपया मीटर मिलता है, ये तो 30-32 रुपया 35 रुपया मिलता है, तो 20% ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं वो कॉटन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके जहन में क्या है कि कॉटन गरीबों का कपड़ा है, ये शूटिंग शेटिंग जो है अमीरों का कपड़ा है, तो ये हमने उनको बताया कि सर कॉटन जो है अमीरों का कपड़ा है और सिंथेटिक्स जो कपड़ा बनता है वो गरीबों का कपड़ा है। तो आपका क्या डिमांड है? हमारा डिमांड यही है कि जो पहले था कॉटन 12.5 कॉटन को रहने दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई दोनों पे बराबर कर दो या इधर डिवाइड कर दो, हमारी मांगनी यही है कि भाई जो था पहले 12.5% आप वही कर दो, और जो यहाँ गरीब मजदूर मजदूरी करते हैं ये 5% जो उनके ऊपर लगाया गया है जॉब पे ये ख़त्म कर दे, अगर वो ये जो अदर मल्टी टैक्सेस लगाए हैं अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा है। 12.5% लगाए ऐसी आपकी है? हाँ, एक मिनट पहले है ना,